तो देख सकते हैं ये एक बिग साइज का हट ये इधर ही है। तो ये अपने भागने के लिए बिल खोज रहा है। इधर चलना है, इधर बाइक आ जाएगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार प्रणाम। मैं शत्रुघ्न बाबा एक बार फिर से बेजुबान जीवों को बचाते हुए अपने सिवान जिले के गंडक कॉलोनी में वन विभाग में ही एक सांप निकला हुआ है। तो दोस्तों हम लोग मौके पे पहुंच चुके हैं और सांप को सबसे पहले कौन देखे? यही रहते अच्छा, 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 बनाते हैं। तो सबसे पहले मतलब आप अपना परिचय बताइए। हम चंदर जी हैं, आज जी चंदर जी हैं, हम यहीं रहते हैं। अच्छा, हम खेती उती करते हैं, देखे बैठा हुआ था कल के पास। अच्छा, हम नहीं कुछ करता है, वो चुपचाप बैठा रहता है। तो दोस्तों इनका कहना है कि खेती होती करते समय मतलब ये सांप को देखे हुए हैं। तो चलिए हम चल के देखते हैं कौन सा सांप है। जो भी सांप होगा बहुत जल्द हम लोग का प्रयास रहेगा कि उसको निकाले। और इनका कहना है धामिन है। खैर चलिए चल के देखते हैं, आइए चलिए। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक बिग साइज का रैट स्नेक है। थोड़ा सा आप उधर हटिएगा सर, कि तेज रफ्तार से भागने का प्रयास करेगा। इधर 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 कहीं नहीं घुसेगा सर, केवल आप लोग दिख रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये किस तरह से यह सांप बैठा हुआ है। कोई बात नहीं, लेते रहिएगा। तो देख सकते हैं ये एक बिग साइज का हट ये इधर ही है। तो ये अपने भागने के लिए बिल खोज रहा है। मिल गया जी। तो दोस्तों इसे पकड़ना पड़ा, नहीं तो ये अंदर भाग जाता और फिर हमें काफी दिक्कत होता इसको पकड़ने के लिए। और तो दोस्तों देख सकते हैं काफी आसान तरीका से इस सांप को हम लोग पकड़ लिए हुए हैं। और इस सांप को हम लोग अपने भाषा में धामिन सांप बोलते हैं। तो दोस्तों आइए फाइनली इस सांप को हम लोग पकड़ लिए और इसको इसके सेफ जोन में रखा जाए। और जाइए
तो दोस्तों हमारा नकल आप ना कीजिएगा, हमारे इसके साथ ट्रेनिंग है, पढ़ाई लिखाई है, बहुत बड़ा का, और बहुत बड़ा है। फिर इसको हम लोग पहले तो इसको इसके सेफ जोन में रख दिए, यह यहाँ पे सुरक्षित हो गया, यह सांप यहाँ पे सुरक्षित हो गया, और इसको अभी हम लोग ले जाके इसके अनुकूलित वातावरण की तरफ रिलीज कर देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मतलब बता दें कि आप लोग मेरा नकल ना कीजिएगा, आप लोग मेरा नकल ना कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और दोस्तों चलिए, इस सांप को यहाँ पे रहना पसंद आता है इसलिए हमने यहाँ पे रख दिया, सबका अपना अपना तरीका होता है। और दोस्तों इसको ले जाके इसको यहाँ पे थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है और मुझे भी दिक्कत नहीं है। और दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा जरूर, और इसको ले चल के हम लोग छोड़ेंगे तो फिर आपको दिखाया जाएगा। सॉरी दोस्तों फाइनली सांप को हम लोग छोड़ने के लिए आ चुके हैं, और आइए इसको इसके अनुकूलित वातावरण की तरफ छोड़ दिया जाए। दोस्तों एक बार फिर से बता दें कि आप लोग मेरा नकल ना कीजिएगा, नहीं तो आपके साथ खतरा हो जाएगा कैमरा में देखिए से। और देख सकते हैं इस सांप को हम निकाल दिए हैं बाहर, अभी यह धीरे धीरे निकलेगा और फिर चला जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों यह किस तरह से निकल रहा है। दोस्तों जहाँ तक मुझे लग रहा है कि यह सांप माँ बनने वाली है, यह सांप अंडा देने वाली है, तो दोस्तों इसको काफी बढ़िया तरीके से आइए इधर जगह दे दिया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे हम इस सांप को रख दी, यह अब धीरे धीरे अपना दिशा खोज लेगा। तो दोस्तों फाइनली सांप को हम लोग यहाँ पे छोड़ दी, यह सांप यहाँ पे अब सेफ हो गया, इसको थोड़ा सा भी किधरों से कोई दिक्कत नहीं है, यह अब अपने अनुकूलित दिशा की तरफ चला जाएगा। तो दोस्तों इस सांप की जान बचाने में वहाँ के लोगों की भी एक अहम भूमिका रही, और आप लोगों का भी अहम भूमिका है, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं और लोगों को मेरे बारे में जानकारी होती है, और लोग हमें फ़ोन करते हैं और हम लोग मौके पर पहुँचते हैं, और बेजुबान की जान भी बचती है और असहाय लोगों की मदद भी होती है। तो दोस्तों चलिए फिर से मिलते हैं इसी तरह किसी अच्छे मजेदार और जानकारी वाला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।